और लाइव विद मोहित स्टार्ट हो चुका है। और मैंने मतलब बहुत अच्छे से कहा था कि लाइव विद मोहित चालू है। तुम चालू हो क्या? तो स्टार्ट हो गया है जी, आ जाओ आप जल्दी से। लास्ट टाइम मुझे ना मैंने कहा था ना, ये इस तरह का मोड करने में, मतलब इस तरह का क्या कहते हैं इसको, लैंडस्केप मोड करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। मुझे टेक्निकल नहीं पता लैंडस्केप कहते हैं क्या कहते हैं, लेकिन हाँ मतलब इस तरह के फ्रेम को सेट करने में दिक्कत हुई थी। फिर अभी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है और अपन सब लाइव आ चुके हैं। मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं सबके, और सबसे पहला कमेंट आया मुझे मोहित का ही, मोहित सूर्यवंशी का। मोहित सूर्यवंशी ने कहा है हाय पाप्या वैद्य इज वॉचिंग, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। हाय पाप्या वैद्य मार्गी जानी इज वॉचिंग, हाय सलोनी मदान। लियो धवल छज्जड़ कह रहे हैं वॉन्ट डू अ रिकॉर्डिंग विद यू। क्या बात है लियो भाई, लेकिन किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे ये तो बताओ। तो धीरे धीरे सब लाइव आ रहे हैं, आ जाओ जल्दी भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अपन को। और क्या बात है, चलो तुम स्वाति रायजादा कह रहे हैं हाय ओ एम जी फाइनली फर्स्ट टाइम आई एम हियर। क्या बात है, वेलकम है आपका स्वाति, अगर आपका ये फर्स्ट टाइम लाइव है तो। और जितने भी लोगों का है फर्स्ट टाइम नहीं है उनको भी वेलकम है, जितने लोगों का फर्स्ट टाइम है उनको भी बहुत बहुत शानदार वाला वेलकम है। नमस्ते, वेलकम टू लाइव विद मोहित। जो कहते तो हैं कि हर संडे को होगा 9 PM पे, पर असलियत तो तुम सब जानते ही हो, तो मतलब ये हो जाता है बस ऐसा है कि। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर संडे 9 PM ये होता रहे, पर ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी दिक्कत आती है। कल तो दिक्कत आनी थी, कल मकर संक्रांति थी, तो आप सबको बिलेटेड मकर संक्रांति की हैप्पी विशेज यार। क्या बोलता हूँ मैं, अब बोल देता हूँ जो मन में आता है। अब क्या करें, अपन कोई पब्लिक स्पीकर तो है नहीं, अपन तो मतलब गाने बजाने वाला आदमी है। देखो ये लेकर घूमते हैं बस साथ में। तान्या गिरी अरे हाय, हाय तान्या गिरी, हाय आकाश गुप्ता। बैकग्राउंड के लिए सब कह रहे हैं बैकग्राउंड। हाँ ये सारा मैंने मतलब सोचा था मैंने कि मतलब एक ऐसा मतलब कंपार्टमेंट हो जहाँ पे सारे जितने भी गिफ्ट्स आए ना वो सारे अपन संभाल कर रखें। तो सारे तो नहीं है इसकी जगह, लेकिन इसमें जो जो भी फिट आए मैंने जमा दिए अलग। लेकिन ये साइकिल मेरी बहन ने गिफ्ट करी थी, जो मेरी रियल सिस्टर है भव्या। वो ऐसे बहुत सारे अलग अलग गिफ्ट्स हैं मेरे को लोगों ने, ये पीछे स्केच दिख रहा है ना ये वाला, ये सृष्टि ने गिफ्ट किया है। बहुत 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 शानदार लगता है मुझे। मुस्कान जैन कह रही है हे यार कितनी काइट्स उड़ाई मोहित, मत पूछ यार। पता है काइट्स तो मतलब भूल जाओ, मैं जब से जयपुर छोड़ा है ना मैंने, ये पतंगबाज तुम्हारा मतलब मेरी क्या, पतंग बिना डोर के उड़ती है और बिना पतंग के उड़ती है, मतलब उड़ती नहीं है। साफ सी बात तो ये है, मतलब पतंग जाने कहाँ गए वो दिन, ऐसा सा मामला हो गया। तो बता है पतंग उड़ाने की तो ऐसी कहानी, अपनी 4 साल की उम्र से मैं पतंग उड़ाता था, मतलब जयपुर में तो ऐसा पतंगबाज था ना तुम्हारा मोहित, और पतंगबाज से ज्यादा तो लुटेरा था। मतलब काइट्स लूटना इतना पसंद था मुझे, अभी नहीं लूटता। पहले तो मतलब रेसिंग हुआ करती थी पूरे मोहल्ले में कि मतलब कौन बच्चा है जो सबसे तेज तरार है पतंग लूटने में, किसकी गली में जैसी पतंगे गिरती हुई दिख रही तो कौन सबसे पहले वो लुटेरा जाएगा वहां पे मतलब पतंग छीनने के लिए। तो उन एक लुटेरों में से एक मैं भी था, और शानदार पतंगे लूटी बहुत है अपन ने, काटी वाटी हो ना हो। तानिया कह रही है मेरे वाले गिफ्ट्स, बिल्कुल तानिया तुम्हारे वाले गिफ्ट्स भी सारे संभाल के रखे हुए मैंने। अविनाश अभी कह रहे हैं भाई दिल दिया गल्ला कब आएगा, अभी वेटिंग। बस अविनाश भाई उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। दिल दिया गल्ला था एक छोटा सा, मैंने मतलब एक एक कॉन्टेस्ट रखा था मैंने, अगर आप सबको नहीं पता, जिनको नहीं पता है कि इंस्टाग्राम पे, कि मतलब आप सबको जो भी सॉन्ग सुनना हो, क्योंकि मेरे गाने की इच्छा हो रही थी उस दिन बहुत ज़्यादा, तो आप कमेंट कीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको, तो मैं ज़रूर आपके लिए गाऊंगा। तो उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए गाने, उनमें से एक दिल दिया गल्ला मुझे बहुत पसंद आया, वो तो सबको ही पसंद है यार। तो दिल दिया गल्ला अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा मैंने प्रिपेयर भी किया है। क्या है उसकी कॉर्ड्स, कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों यारियों यार।
फासले। अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, अच्छे से सुनाऊंगा तुमको प्रिपेयर करके। तो अभी तो हो ही रहा है, तो अभी जब तक तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं। मुस्कान विल कह रहे मोहित थैंक यू मेरा गिफ्ट इतने प्यार तरीके से रखने के लिए। अरे तुम सबके गिफ्ट्स मैंने रख रखे हैं बड़े प्यार से यार, तुमने भेजे इतने प्यार से थे। ज्योत्सना तमंग कह रहे प्लीज सिंग अ वन सॉन्ग फॉर मी बिकॉज योर वॉइस सो गुड। थैंक यू यार ज्योत्सना। नेहा कह रही कपकेक सॉन्ग सुना दीजिए। कपकेक तो हर लाइव चैट में मतलब होना ही होना है, ऐसा है क्या यार? और ये क्या, ये सॉन्ग मेरा प्रिपेयर हो ना हो ये हर बार मतलब गा सकता हूँ मैं। शुभी शुभम बिजवान कह रहे नाइस कैप, ओह थैंक यू। ये कैप मेरी नहीं है, मेरा दोस्त है एनआरएस, वो पहनकर आया था यहाँ पे, तो एनआरएस की कैप मेरे को इतनी पसंद आई, मैंने कहा भाई ये कैप तो मेरे को भी चाहिए। वो क्या अपना भाई है ब्रांड एम्बेसडर ना, अर्बन मंकी करके एक ब्रांड है उसका, तो राजस्थान का एम्बेसडर है वो। और उसने कहा कि भाई तू टेंशन आती तो बता कौन सी कैप पसंद है तुझे। उसने मेरे को वेबसाइट दिखाया उसकी और बोला कि ये जो तेरे को पसंद है वो कैप चूज कर ले, मैं जरूर भिजवा दूंगा। तो उसने मेरे को ये भिजवा दी है। तो एनआरएस अगर ये वीडियो देख रहा है तो बहुत बहुत थैंक यू। और एनआरएस का और अपने भाई हैं कमल चौधरी, उनका बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग भी आ गया राजस्थानी सॉन्ग, मैं शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ में, तो वो भी आप सुनकर बताना कैसा लगा। किसी ने कहा नज्म नज्म सा सुना दो। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे सवर जा, मैं ना 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 ने ने आँखों में जागूं रे। मुझे पूरे से नहीं आता इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं बिना प्रिपरेशन के गाता हूँ। कोई बात नहीं, किस दिन प्रिपेयर करके भी गाऊंगा। पापिया वैद्य कह रहे पोएम सुना दो प्लीज प्लीज प्लीज। पोएम सुनाऊं तेरे को? अरे यार पोएम तो मैं मतलब कभी भी सुना दूं। पोएम तो अपना, और मैं पता है क्या जयपुर से ना मैं अपनी पोएम सारी की सारी इकट्ठी कर कर ले आया, सारी की सारी जितनी भी पुरानी पोएम्स थी, तो अभी वही सब इकट्ठी करके तुम लोग सुनाऊंगा। प्रशस्ति कह रही गौर जी भूल गए आप? अरे प्रशस्ति जी कैसे भूलेंगे आपको बताइए। पीपी पीपी तेरे को तो ना भूलना, देख पीपी तो अपनी यार डार्लिंग है, तेरी शादी हो गई तो क्या हुआ, डार्लिंग तो है ही ना। रजनीश रिवेल कह रहे लव यू, रजनीश लव यू टू भाई। पायल रॉय कह रही है रॉय कह रही है हाय मोहित आई लव यू सो मच, आई लव यू टू पायल। निष्ठा चौधरी कह रही है एम जी अब आपने मुझे रिप्लाई देना छोड़ दिया। नहीं यार आपका कमेंट अभी दिखा, दिखेगा तो मैं पक्का रिप्लाई करूंगा, ये अपन को काम ही, मैंने कितनी बार बता चुका हूँ इस दुकान में जितने भी कस्टमर आते हैं उनका एक ही काम है हमारा, तो हम क्या दे सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे सकते हैं सर, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कमेंट दिखेगा ज़रूर रिप्लाई करूंगा। स्वाति जैसवाल कह रही मोहित निकनेम क्या है आपका प्लीज़। निकनेम चीनू है यार, मम्मी पापा ने रखा था, मम्मी ने रखा था चीनू, तो चीनू है निकनेम। बाकी तो कॉलेज वाले मेरे सारे दोस्त मुझे मोगली कहते थे, सारे भी मतलब ज़्यादातर क्योंकि बाल ऐसे अजीब से थे ना मेरे हमेशा से। तो पापिया बहती कह रही सुनाओ ना पोएम सुनाओ ना। अच्छा पोएम पोएम सुनाओ क्या, तो कौन सी पोएम सुनाओ यार? वहीं की पोएम सुनाई थी क्या मैंने तुमको? वहीं की पोएम सुननी है तो बताओ, वहीं की पोएम मैं सुना सकता हूँ क्योंकि वो कॉपीराइट है, इसलिए कॉपीराइट कर करवा रखी है मैंने, बाकी पोएम कोई कॉपीराइट नहीं करवा रखी ना अभी तक, इसलिए मैं सुनाने में थोड़ा सा डरता हूँ। साफ सी बात है यार। नंदिनी सिंह इज वॉचिंग, हाय नंदिनी सिंह। और साक्षी से कह रहे हाय कैसा है? अरे साक्षी अरे अपनी कॉलेज की दोस्त है मेरी, छोटू चुहिया बोलता था मैं इसको, अब तो नहीं बोलता, अब तो ये बड़ी चुहिया हो गई है, इसकी शादी भी हो गई है। बताओ कैसे कैसे दोस्त है यार, शादी करके बैठ जाते हैं वहां पे लाइव चैट देख रही अपने पति के साथ में है। रे साक्षी कभी तूने सिंगल तो लाइव चैट देखी नहीं, अब तू डबल लाइव चैट देख रही होगी भाई, शानदार भाई। बताओ कैसे कैसे दोस्त हैं अपने। साक्षी अपनी एकदम खास जिगरी है और मतलब मेरी एकदम छोटी बहन की तरह थी है, प्यारी सी, और अब तो बड़ी हो गई, खैर क्या ही कहना अब इनके। लिजरानी कह रही है वाओ क्यूट नेम सूट्स यू। अरे यार सूट्स मत पूछ क्या सूट यार, चीनू के नाम से तो बहुत मजाक उड़ाया मेरा। अरे कोई आया है, रुको प्लीज होल्ड ऑन, और बेल बजी है इसका मतलब मुझे खोलने जाना पड़ेगा गेट, मैं चेक कर कर आता हूँ कौन आया है, वेट प्लीज।
बताओ, बेचारा प्रेस के कपड़े लेकर आया है अपना भाई, उसको मैंने कहा भाई पेमेंट कर ले लियो, अभी लाइव चैट चल रही है, लाइव चैट नहीं चल रही, ये नहीं बोला मैंने उसको, बस मैंने बोला पेमेंट बाद में ले लेना। ये कुछ गाना गाते हैं यार साथ में, सिर्फ आप सब के लिए। कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू, मखमली सी रेशमी सी आवाज तू। रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू, मखमली सी रेशमी सी आवाज तू। जिस कसम के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो। कहती जिंदगी में आया कैसा क्रिक है, कह ले कुछ भी तू मेरा कपकेक है। चलो साथ में गाओ मेरे। मतलब जैसी गाओगे तो कैसे, कमेंट करो कपकेक है, तू मेरा कपकेक है सॉन्ग की जो भी तुम्हारी फेवरेट लाइन है ना वो कमेंट करो, ठीक है। एंड 1 2 3 4 जिंदगी में जिंदगी का स्वाद है, चक्के देख ले ये कैसा राज है। जब से तू आई है मेरे साथ में, उल्टा साला सीधा रिजाव है। जिंदगी में जिंदगी का स्वाद है, चक्के देख ले ये कैसा राज है। जब से तू आई है मेरे साथ में, उल्टा साला सीधा रिजाव है। कि तेरी धड़कनों की धुन में मैं भी साज दूं, हल्का हल्का मेरा मेरा एहसास दूं। कि तेरी धड़कनों की धुन में मैं भी साज दूं, हल्का हल्का मेरा मेरा एहसास दूं। कि दोस्ती सब पे भारी नंबर एक है। मेरा प्यारा दुलारा कप केक है। मोहित कह रहे मेरी धड़कनों की धुन में मैं भी सांस दूं, उनकी फेवरेट लाइन है। नहीं 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 तेरी धड़कनों की धुन में मैं भी सांस दूं, उनकी फेवरेट लाइन ही है, लेकिन लाइन को थोड़ा सा मैंने लिरिक वाइज करेक्ट किया। और किसकी क्या फेवरेट लाइन है, समीर कोटवानी की फेवरेट लाइन है, रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूं, मखमली सी रेशमी आवाज दूं। प्रशस्ति का फेवरेट लाइन है, जिंदगी में जिंदगी का स्वाद है, चक के देख ले ये कैसा राज है। अरे पाप्या वैद्य की फेवरेट लाइन है, तू मेरा कपकेक है। अच्छा तुम सबकी कौन सी है फेवरेट लाइन इस सॉन्ग की, मैं मेरी फेवरेट लाइन बताऊं, मेरी फेवरेट लाइन है कि तेरी धड़कनों की धुन में मैं भी सांस दूं, हल्का हल्का मेरा मेरा है साज दूं। तेरी धड़कनों की धुन में मैं भी साज दूं जो लाइन है ना वो बड़ी मतलब पसंद है मुझे, कि मतलब धड़कनों की धुन होती है ना धक 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 धक, तो उसमें मैं भी साज देता हूँ। साज मतलब इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट तो इस तरह से लिखा गया था किसी के लिए, बहुत प्यारी है वो जिसके लिए लिखा था, बहुत प्यारी, इतनी प्यारी कि उसका वाकई में नाम कपकेक रख रखा है अपन ने, आज भी उसी नाम से सेव्ड है उसका नाम। तो सोनाली अरोरा इज वॉचिंग, अभी आया है मुझे कमेंट मतलब वो नोटिफिकेशन। श्रद्धा परागी कह रहे बड़े क्यूट लग रहे हो, थैंक यू यार श्रद्धा। पंकज स्वामी कह रहे राजस्थानी सॉन्ग प्लीज। हो लुक छुप ना जावो जी, रमण दीद करावो जी, अज क्यों तरसावे हो, रमण सकल दिखावो जी। थारी जरारत यार, एक मुझे याद आई प्रॉब्लम की, जो मैंने माइक लगा रखा है ना लेपल माइक, ये ज्यादा साउंड कैच नहीं कर पाता है, मतलब इसमें क्लिप हो जाती है, साउंड फट जाती है अगर ज्यादा हाई पिच में गाते हैं तो। अभी ये गाना अपन स्किप कर देते हैं, किसी और दिन गाते हैं अच्छे से, थोड़ा धीरे। लेपल माइक्स में दिक्कत है, आपकी वॉइस बहुत अच्छे से होता है लेकिन उसमें लेवल सेट करने वाला नहीं है। मैं लाना भूल गया, मैंने लाया तो था रोड का अच्छा माइक है ये भी, लेकिन इसमें लेवल सेट नहीं कर सकते अपन, ये प्रॉब्लम है। तो सॉरी मैं अभी ये गाना पूरा नहीं गा पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे गा सकता हूँ मैं इसको। कि थारी सरारत सब जानू मैं चौधरी, अरे चौधरी में ये एक्शन करता हूँ, सॉरी भूल गया हूँ, यही वाला याद आ गया एकदम से। थारी सरारत सब जानू मैं
चौधरी मरजले वो न पंगा जी मैं के लगे रे मारे हिवड़ा में जागी धोक नीर चंदा में थारी चांद नीर मन दामन में बांधी खुशी रे झूम 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 मारे हिवड़ा में जागी धोक नीर चंदा में थारी चांदनी रे मन दामन में बांधी खुशी रे झूम 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 बाछू तो ऐसी सी बात है जी जाने उनो। अब तुम बताओ यार, मैंने बहुत सारी बातें कर ली अपने बारे में और ऐसी आजू बाजू की बातें, तुम बताओ तुम कैसे हो और कैसा गया ये मकर संक्रांति क्या बोलता हूँ यार। ना ना ना, मैं नशे पत्ती से दूर है अपन। मैं क्या है, ऐसे ही मजे में रहता हूँ मैं, इसलिए कुछ भी बड़बड़ाता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ। अब लाइव चैट में और क्या करूँ यार, मेरे को और कुछ काम भी नहीं आता करना लाइव चैट में, बस बोलना था तो ये मैं बोल देता हूँ कुछ भी। रजनीश रिबेल कह रहे हैं, तेरा तो एक तो नाम बड़ा शानदार है भाई, रजनीश रिबेल। वाह रिबेल, बढ़िया यार, फील ही अलग है इस नाम में तो, रिबेल में तो। विक्रम शाह कह रहे हैं, हो पहचाना क्या भाई? नहीं विक्रम ब्रो, ऐसे आपकी डीपी भी नहीं आ रही है इसमें अभी मुझे तो, मैं बता भी नहीं सकता कि। पीयूष तिवारी कह रहे मामे खान, बिल्कुल पीयूष जी, मामे खान जी ने गाया गाना और ये बहुत बहुत फेवरेट है अपना। जब से पहली बार जब से सुना था ना मैंने कोक स्टूडियो का इसका वर्जन, सबसे पहले तो मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड आकर्ष से सुना था ये गाते हुए, तो तब से मुझे बहुत पसंद है। शिवम बिरला कह रहे हैं भाई, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, ये गाना गाने के लिए बोल रहे हैं, बताओ मुझे। कोई बात नहीं, गा दिया भाई ये भी तुम्हारे लिए। शीला शर्मा कह रहे हैं मस्त गाया जी, थैंक यू जी। चंद्र प्रकाश कह रहे हैं भाई या वाह मेरा आज अच्छा दिन है। अरे यार आपका हर दिन अच्छा हो मैं तो चाहता हूँ, शानदार। पापिया वैद्य कह रहे बंगाली सॉन्ग सुना दो, बंगाली सॉन्ग। रात केनो आलो दाए ना, पखी केनो गान गाए ना, तारा केनो पोत दिखाए ना, तुम्ही कैरी अच्छी अशोना, ए वृष्टि वे जा राते तुम्ही नहीं बोले शोम भोए आ मार कटे ना। ये मुझे मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे कॉलेज के, सहेली गुप्ता और मृगांक मंडल, उन दोनों ने सिखाया था मुझे एक टाइम पे, मेरे कॉलेज के टाइम पे फर्स्ट ईयर में, बंगाली सॉन्ग, तो ये मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा याद है। तो प्रशस्ति कह रही तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। अरे यार तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना। तो जाने से याद आया मुझे अभी जाना पड़ेगा, मेरी जाने मनो। तो नेक्स्ट संडे या मंडे या नेक्स्ट वीक पक्का से मिलते हैं अपन, 9 PM जैसा भी होगा, मोस्टली 9 PM संडे को ही मिल रहे हैं अपन। एंड और क्या, हाँ पाप्या वेद ने कहते लव यू, आई लव यू टू पाप्या, एंड प्लीज़ यू ऑल टेक केयर। और नेक्स्ट संडे जल्दी मिलते हैं, नेक्स्ट मंडे मिलते हैं, नेक्स्ट वीक मिलते हैं जल्दी से, और प्लीज़ टेक केयर एंड बहुत सारा प्यार तुम सबको, बहुत ही सारा वाला प्यार है जी, हमेशा रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू है जी, बाय।